नमस्कार, मैं हूँ देवशंकर नवीन, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हूँ। हिंदी मूक्स परियोजना के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य विषय में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम लोग हिंदी उपन्यास पृष्ठभूमि एवं परंपरा विषय पर बात करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत हम सब हिंदी में उपन्यास लेखन की प्रारंभिक समझ बना सकेंगे। हिंदी में उपन्यास के उदय की साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हिंदी उपन्यास लेखन की शुरुआत में भारतेंदु युग के योगदान से अवगत हो सकेंगे। हिंदी के विकास में देशज आख्यान की भूमिका समझ सकेंगे और हिंदी उपन्यास लेखन की संक्षिप्त परंपरा से परिचित हो सकेंगे। हिंदी में उपन्यास लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। भारतेंदु युग के समाप्त होते होते हिंदी उपन्यास की मान्यता स्थापित हो चुकी थी। आधुनिक साहित्य के शुरुआती दौर में साहित्यिक विधा के रूप में सर्वाधिक धूम उपन्यास की ही रही। यह बात हिंदी, अंग्रेजी समेत दुनिया की अन्य आधुनिक भाषाओं पर भी लागू होती है। उपन्यास की इस लोकप्रियता के कारण ही हीगल ने आधुनिक मध्य वर्ग का महाकाव्य इसे कहा। आधुनिक युग में उपन्यास ने निस्संदेह मध्यकाल के महाकाव्य की जगह खुद को स्थापित किया। उपन्यास की इस लोकप्रियता के कई कारण थे। एक कला विधा के रूप में देखें तो उपन्यास वस्तुतः महाकाव्य का आधुनिक रूप है, जिसमें नाटक के तत्व भी आकर मिल गए। ऐसा साहित्य सिद्धांत पर बात करते हुए रेने वेले ने कहा है। पहले महाकाव्य और नाटक ही साहित्य में लोकप्रिय विधाएं होती थी। नाटक में दृश्य हुआ करते थे, महाकाव्य की कथा किसी विशेष राजा या मिथकीय पात्र को लेकर बुनी जाती थी। उपन्यास ने इन सीमाओं का अतिक्रमण किया। उपन्यास में नाटक जैसे संवाद और दृश्य हो सकते थे, कविता या कविता का अंश हो सकता था। उपन्यास की कथा संरचना के लिए किसी राजा महाराजा या देवता की कथा की जरूरत नहीं रही। उपन्यास का हीरो कोई भी हो सकता था, अर्थात उपन्यास ने महानायक की जगह साहित्य में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने का काम किया। इसलिए उपन्यास का संबंध लोकतंत्र से भी जोड़ा जाता है। उपन्यास किसी बड़े कालखंड की कथा कह सकता था। एक छोटी घटना पर भी उपन्यास लिखा जा सकता है। उपन्यास सिर्फ नायक नायिका की कथा पर नहीं होता, इसमें कई कथाएं होती थीं या हो सकती थी। कथा की कई परतें हो सकती थी। कई बार नायक की जगह सहनायक या खलनायक पाठक को ज्यादा सम्मोहित कर सकते थे। उपन्यास के पात्र पूरी तरह काल्पनिक या ऐतिहासिक भी हो सकते थे। उपन्यास के अधिकांश पाठक बेशक मध्य वर्ग के रहे हों, पर उसकी कथा भूमि मध्य वर्ग के साथ साथ उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या किसान एवं मजदूर वर्ग पर भी आधारित हो सकती थी। उपन्यास पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार तो करता था, आधुनिक समाज की कृत्रिमता का भी मखौल उड़ा सकता था। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ा कि वर्तमान जगत में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। समाज जो रूप पकड़ रहा है, उसके भिन्न भिन्न वर्गों में जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही है, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यक्षीकरण ही नहीं करते, आवश्यकतानुसार उनके ठीक विन्यास, सुधार, निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि उपन्यास ने सिर्फ यथार्थ का चित्र ही प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि संभावनाओं की तलाश भी की। उपन्यास की पृष्ठभूमि के रूप में हमें 1857 का गदर बेसाख्ता याद आता है। सन 1857 के गदर में हिंदी प्रदेश की विफलता भारत में अंग्रेजों की सबसे बड़ी सफलता सिद्ध हुई। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार अपना साम्राज्य कायम करने में अंग्रेजों को सबसे अधिक परेशानी
हिंदी प्रदेश में ही हुई थी। रामविलास जी ने स्वयं व्यंग करते हुए लिखा है कि हिंदी प्रदेश पर उनकी विशेष कृपा थी, क्योंकि 1857 में वह इस देश के लोगों की शक्ति पहचान चुके थे। अंग्रेज जब तक भारत में रहे, इस विशेष कृपा को तब तक बनाए रखा। अंग्रेजों के जाने के बाद देशी सत्ताधारियों ने भी इस विशेष कृपा को जस का तस बनाए और बचाए रखा। इस विशेष कृपा का दंड हिंदी प्रदेश आज भी भुगत रहा है। सन 1860 तक आते आते, जैसा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, देश में पूर्ण रूप से शांति और व्यवस्था कायम हो गई। यातायात के साधन सुलभ हो गए और क्रमशः उसमें सुधार होता गया। अतः सन 1860 से ही हिंदी प्रदेश में अंग्रेजी आधुनिकता की शुरुआत मानी जा सकती है। अंग्रेजी संपर्क से एक नए शिक्षित वर्ग का उदय हो रहा था। बंगाल और महाराष्ट्र में यह अंग्रेजी प्रभाव संभवतः सबसे अधिक रहा। शायद इसीलिए भारतीय भाषाओं में सबसे पहले बांग्ला में प्यारी चांद मित्र का उपन्यास अलालेर घरेर दुलाल सन 1855 से 57 के बीच एक मासिक पत्रिका में और सन 1858 में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ। मराठी में बाबा पद्मजी का यमुना पर्यटन भी सन 1857 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में यह स्थिति बंगला और मराठी की तुलना में देर से उत्पन्न हुई। दरअसल हिंदी प्रदेश में यह अंग्रेजी प्रभाव बंगाल से होते हुए आ रहा था। इस प्रभाव में वही भाव नहीं था जो बंगाल और महाराष्ट्र में था। हिंदी प्रदेश में इस अंग्रेजी प्रभाव को आंख मूंद कर लपक लेने की हड़बड़ी नहीं दिखी। बावजूद इसके, इस प्रभाव का सीमित असर भी हिंदी प्रदेश में एक नई परिस्थिति को जन्म दे रहा था। इस नई परिस्थिति में लोग नई तरह से सोचने के लिए बाध्य हुए। कारण, नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी, पर साहित्य भी बहुत कुछ पुराने ढर्रे पर ही चल रहा था। दूसरी तरफ बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिसमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था। हिंदी प्रदेश में ऐसी बात नहीं थी। अभी यहां भाषा का रूप ही निश्चित नहीं हुआ था। कविता तो बहुत कुछ ब्रज में ही लिखी जा रही थी, पर गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया जाना आवश्यक समझा गया था। इस खड़ी बोली का रूप क्या हो, इस बात को लेकर कुछ मतभेद भी थे, लेकिन हिंदी गद्य के लिए खड़ी बोली ही चुनी गई। इसमें कोई मतभेद नहीं था। कारण, साहित्य की रचना पद्य में ही होती थी। अतः खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रजभाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में संकेत किया है। यह नई हिंदी या हिंदी की नई चाल का प्रस्तावना काल कहा जा सकता है।